नमस्कार फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसोसिएट्स पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर ही इसी चैनल पर मैं आपसे वीडियो लाता रहता हूँ, बढ़िया बढ़िया इंडिपेंडेंट हाउसेस के वीडियो। और 25 गज से लेकर हमारे पास 100 गज के हाउसेज हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी मैं आपको यहाँ पर सेंड कर दूंगा, और हमारे होम पेज पर जाकर भी आप हमारी और वीडियोज देख सकते हैं। आज का जो इंडिपेंडेंट हाउस है काफी बढ़िया ये रहने वाला है। एरिया की बात करें तो मोहन गार्डन एरिया में आपको देखने को मिलने वाला है। मकान के डायमेंशन की बात करें तो काफी शानदार आपको डायमेंशन यहां पर देखने को मिलता है इस हाउस का। 15 का आपको फ्रंट मिलता है, 18 की गहराई मिलती है प्रॉपर ओन पेपर, और 30 का साइड ये देखने को आपको मिलने वाली है। काफी शानदार एरिया में ये आपको साइड देखने को मिलती है। मेट्रो से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। नियर बाय मेट्रो स्टेशन की बात करें तो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका हमारी साइड से 1 किलोमीटर डिस्टेंस रहने वाला है। फैसिलिटीज की बात करें तो सारी की सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आपका जो मेडिकल शॉप्स हो आसपास, डेली क्लिनिक्स हो, मोहल्ला क्लिनिक्स हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। डेली नीड का कोई भी सामान लेना है, मदर डेयरी आसपास है, और रिलायंस फ्रेश वगैरह यहाँ पर सब कुछ आसपास आपको देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, सारी फैसिलिटीज से लेस आपको ये लोकेशन मिलती है। अगर गली की बात करो तो गली में आपको सीवर लाइन देखने को मिलती है, मीठा पानी आपका यहाँ पर 2 टाइम आता है, सुबह और शाम। और हमारी प्रॉपर्टी में हमने आपको समर सीवर भी लगाकर दिया है कि कभी कभार अगर पानी ना आए तो आपको समर सीवर भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। घर की बात करें तो 1 BHK कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है, 2 मंजिल। ग्राउंड फ्लोर पर भी आपको 1 BHK कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है, और आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर भी 1 BHK का यहाँ पर जो सेट है वो देखने को मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, 4 सीलिंग, वेट्रीफाइड टाइल्स, न्यू जड़ से बना हुआ मकान है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, रहने वाली है। लोन आप करवा सकते हैं इस प्रॉपर्टी पर 85% तक, बड़े आराम से आपका लोन हो जाएगा। आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए और आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, तो बड़े आराम से आपका यहाँ पर लोन भी हो जाएगा। रजिस्टर्ड ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, सारी की सारी फैसिलिटीज़ के साथ आपको ये हाउस देखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इसकी फ्रंट एलिवेशन पर, आपको फ्रंट एलिवेशन और गली का यहाँ पर टूर कराते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो आ चुके हैं हम अपने मकान के फ्रंट रोड पर, आप देख सकते हैं 10 फीट की अच्छी रोड आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, और मेन रोड से हमारा जो है ये तीसरा मकान रहने वाला है। ये जो आप मेन रोड देख रहे हैं यहां से सीधा आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलती है। अगर वॉकिंग में जाना चाहे आप तो 10 से 15 मिनट में यहाँ से मेट्रो पर जा सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन की अगर मैं बात करूँ अपने मकान की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार आपको यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलने वाला है। जो टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन है आपको काफ़ी शानदार यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और साथ में आप देख सकते हैं 15 का प्रॉपर फ्रंट आपको इस हाउस का देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, जो लोग मांगते हैं ना कि चौड़े फ्रंट में हमें घर चाहिए, तो आपके लिए 15 के फ्रंट में ये मकान निक्की एसोसिएट्स लेके आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी नेम प्लेट है वो भी आपको बढ़िया जगह मिलती है लगाने की, आप अपने नेम प्लेट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। नोटिफिकेशन स्विचेज हम आपको लगा कर देंगे, जो आपके स्विच बैल हैं, जो बैल के स्विचेज हैं वो भी हम आपको लगा कर देंगे। यहाँ पर फ्रंट में आप देख सकते हैं 2 आपको यहाँ पर POP के डिज़ाइन के साथ आपको यहाँ पर 2 कोबलाइट लगी हुई देखने को मिलती है। और ये जो घर है आप देख सकते हैं 10 फीट की रोड पर रहने वाला है, साथ ही यहाँ पर 2.5 फीट उठा हुआ ये मकान आपको मिलता है। अगर आपके पास बाइक वगैरह है तो आप अपने घर के अंदर बड़े आराम से यहाँ पर जो अपनी बाइक है वो पार्क कर सकते हैं। और जो ये गली है दोनों साइड से ओपन आपको मिलती है, आप उधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा था आपको IGL कनेक्शन है, तो सामने ही आपको IGL कनेक्शन के पाइपलाइन देखने को मिल जाते हैं। सीवर लाइन यहाँ पर है, हम BSKS का जो मीटर है वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके देने वाले हैं। काफ़ी शानदार ये हाउस बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ मकान की, तो आप देख सकते हैं पूरे के पूरे फ्रंट में जो है टाइल्स का हमने काम करा है। लेंटर पर 2 मंजिल बना हुआ मकान ये आपको देखने को मिलने वाला है। और जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाहर का एरिया है, यहाँ पर जो स्टेयर्स की बात हो चाहे हमारे रैंप की बात हो, तो प्रॉपर यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर जो है हमने आपको लगा कर दिया है। और मैं अगर मेन डोर की बात करूँ तो आपको काफ़ी हैवी, काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइनर डोर देखने को मिलता है इस हाउस में। और साथ ही जो हमारी एंट्रेंस है वो बेहद खूबसूरत आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं जो एंटर होते जो हमारा एरिया है ना, वो काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलने वाला है। काफ़ी स्पेसियस, काफ़ी बढ़िया एरिया आपको मिलता है। अगर आपके पास 2 से 3 या फिर उससे ज़्यादा भी बाइक हैं,
तो आप बड़े आराम से अपने घर के अंदर जो है वो पार्क कर सकते हैं। काफ़ी स्पेसियस के एरिया भी आपको देखने को मिलता है, और साथ में देख सकते हैं जो पार्किंग एरिया जो हमने बनाया है, यहाँ पर 5 फीट तक टाइल्स लगी है, चाहे इधर की बात हो चाहे उस तरफ की बात हो, प्रॉपर आपको यहाँ पर टाइल्स वर्क जो है देखने को मिलने वाला है। साथ में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो MCB बॉक्स हैं, ब्रांडेड MCBs आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और हैवी वायरिंग पूरे के पूरे मकान में आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। नीचे की अगर मैं बात करूँ जो हमने बना रखा है, आपको यहाँ पर पार्किंग एरिया देखने को मिलता है, साथ में एक बेडरूम और एक वॉशरूम जो कि बड़े साइज का है वो आपको मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर हमारा मोटर सेक्शन रहने वाला है, और अगर आपके पास अपना व्हीकल वगैरह धोना है आपको, तो एक डायरेक्ट लाइन हमने समरसीवर की यहाँ पर छोड़ रखी है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक अलमीरा भी क्रिएट कर सकते हैं। आजकल यहाँ पर जो है अलमीरा वगैरह भी बन जाती है, आप यहाँ पर पार्टीशन करवा के आप अपनी एक छोटी सी अलमीरा यहाँ पर भी बना सकते हैं। स्टेयर्स एरिया जो हमारा काफ़ी खुला डुला आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको यहाँ पर जो है हमारा स्टेयर्स एरिया देखने को मिल जाता है। तो आइए चलते हैं अपने बेडरूम में, और ये जो काम हमने यहाँ पर किया है ग्राउंड फ्लोर पर, ऐसे किया अगर अपनी व्हीकल वगैरह भी आप बाइक वगैरह धो रहे हो तो यहाँ पर जो है आपके रूम्स में पानी ना जाए, या फिर वॉशरूम में आप ना रहे हो तो बाहर पार्किंग में पानी ना आए, तो ऐसा काम कर रखा है। और जितने हमारे स्विचेस वगैरह हैं सारे ब्रांडेड आपको मॉड्यूलर स्विचेस यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रूम है उससे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस आपको रूम यहाँ पर देखने को मिलता है, 8.5x10 का ये रूम साइज आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी स्पेसियस होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा बेडरूम आपको देखने को मिलता है। और फोर सीलिंग जो हमने यहाँ पर करवा रखी है, आपको बेहद खूबसूरत फोर सीलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इस घर में। साथ ही में एक वॉलपेपर हम आपको लगा कर देंगे जो कि 3D कस्टमाइज वॉलपेपर हो रहेगा, और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में आपको यहाँ पर, या फिर आप अपना सिलेक्शन भी कर सकते हैं वॉलपेपर। इस घर को लेने के बाद हम आपको वॉलपेपर के जो PDF है वो शेयर कर देंगे, आप अपने मनपसंद का भी वॉलपेपर अपने वॉल पर जो है लगवा सकते हैं। एक डबल बेड लगाने के बाद भी आप अपनी अलमीरा लगा सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में ही वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं रहने वाली, तो विंडो AC लगाने की भी आपको यहाँ पर जगह देखने को मिल जाती है। साथ में आपको यहाँ पर पावर स्विच मिलता है, और उसकी MCB भी हमने यहाँ पर आपको दी है, तो वेंटिलेशन की कोई भी कमी आपको यहाँ पर नहीं मिलती, विंडो आपको मिलती है। साथ में अगर मैं गेट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं प्रॉपर ग्लोसी सरमाइका हमने यहाँ पर एक वुडन के डोर पे लगा रखी है, काफ़ी सुंदर काफ़ी बढ़िया जो इसकी फिनिशिंग है वो आपको मिलती है। साथ में जो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंडी वगैरह सारे ब्रांडेड आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही में हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉशरूम रहने वाला है। वॉशरूम के अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर इस वॉशरूम में देखने को मिलने वाला है। वेट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग आपको यहाँ पर नीचे जो फ्लोरिंग है हमारी उस पर मिलती है, साथ में एंड टू एंड तक वॉल टाइल्स हमने यहाँ पर लगा रखी है, प्लस हाईलाइटर भी आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार हाईलाइटर आपको मिलता है। जितने भी हमारी टूटी वगैरह रहेंगी, जो हमारे टैप्स रहेंगे, वो हमारे सारे के सारे ब्रांडेड टैप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। प्लस में आपको शावर एरिया मिलता है, और यहाँ पर एक वॉश बेसिन हम आपको लगा कर देने वाले हैं। साथ में जो हमारी सीट रहेगी वो वेस्टर्न सीट हम आपको यहाँ पर लगा कर देंगे, और आप देख सकते हैं बेहद ही स्पेसियस, बेहद यहाँ पर काफ़ी बढ़िया एरिया आपको वॉशरूम का देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ एरिया की तो काफ़ी खुला डुला एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा डीप है ये, कि अगर आप नहा रहे हैं तो यहाँ पर जो पानी है वो बाहर ना जाए, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये भी फैसिलिटी मिलती है। साथ में यहाँ पर भी डोर देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत डोर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है। और ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, जैसा कि आपने देखा काफ़ी बढ़िया आपको लगा होगा। प्राइसिंग की मैं अभी से ही बात कर लेता हूँ, प्राइसिंग की अगर बात करें तो 31 लाख रुपए इस हाउस की डिमांड रहने वाली है, लोनेबल ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। साथ में अगर बात करें यहाँ पर स्टेयर्स एरिया की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी खुला डुला तो आपको स्टेयर्स एरिया यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और साथ में यहाँ पर SS आपको प्रॉपर SS की ग्रिल यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में जो यहाँ पर स्टेयर्स पर काम कर रखा है ग्रेनाइट प्लस यहाँ पर टाइल्स का यहाँ पर आपको काम देखने को मिलता है, और जो हमारे स्टेप हैं काफ़ी कंफर्टेबल स्टेप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस हाउस में। और जो हमारा ये हाउस है काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, चाहे आप इन्वेस्टर हैं और चाहे आपको रेंट पर्पज़ से ये हाउस देना है, चाहे अपने फैमिली के साथ आपको रहना है, आप देख सकते हैं इसको ऐसे बना रखा है कि अगर आप ऊपर आते हैं तो एकदम खुला डुला नहीं है, आप नीचे अपनी रिहाइश कर सकते हैं, ऊपर रेंट पर दे सकते हैं बड़े आराम से। और जो हमारी एंट्रेंस है वो एकदम सेपरेट रहने वाली है, आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस है,
यहाँ पर भी आपको काफी सुंदर आपको एक डोर देखने को मिलता है, और साथ में ही हमारा ये जो है लिविंग एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंटर होते ही आप देख सकते हैं कितना कितना खुला डुला एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और वेट्रीफाइड टाइल्स हमने यहाँ पर लगा रखी है, 2x2 की टाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। लिविंग एरिया के साथ ही हमारा जो है मॉड्यूलर किचन रहने वाला है। मॉड्यूलर किचन की अगर मैं बात करूँ तो ओपन आपको यहाँ पर जो किचन है वो देखने को मिलता है। साथ में कैबिनेट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस आपको ऊपर के कैबिनेट्स देखने को मिलते हैं। ये जो पार्टीशन है वो एडजस्टेबल है, आप जो भी छोटे डब्बे या फिर बड़े डब्बे अपने रखेंगे उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे के मैं स्पेस की बात करूं तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी ठीक ठाक सिलेंडर रखने का स्पेस देखने को मिलने वाला है, और इस तरफ भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिलता है। बात करें आरओ लगाने की जगह तो आपको प्रॉपर आरओ लगाने की भी जगह यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ऊपर आपको दो टैप देखने को मिलने वाले हैं, और यहाँ पर भी सिंक एरिया जो है हमारा वो भी काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलता है। और बात करें यहाँ पर बैल्कनी एरिया की तो बैल्कनी भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस आपके यहाँ पर बैल्कनी रहने वाली है। SS की यहाँ पर भी ग्रिल आपको मिलती है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी साइज़ में आपको यहाँ पर बैल्कनी देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। आपको एक टैप दिया है, साथ में अपनी वॉशिंग मशीन ऑपरेट करने के लिए आपको एक स्विच हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा है। पूरे के पूरे हमारे मकान में यहाँ पर बैल्कनी एरिया में भी टाइल्स वर्क हमने आपको करके दिया है, जिससे आपको सीलन की जो समस्या है आपके घर के अंदर फेस ना करनी पड़े। तो ये जो रोशनदान है ये भी आपको बड़े ही काम की चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। स्टेयर्स पर आपको प्रॉपर रोशनी यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी एरिया काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलने वाला है। साथ में अगर मैं डोर की बात करूँ, जो बालकनी का डोर है वो भी काफ़ी बढ़िया हमने यहाँ पर लगाकर आपको दिया है। साथ में जो लिविंग एरिया है वहाँ पर भी आपको वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं रहने वाली। विंडो एसी लगाने का यहाँ पर भी आपको प्रॉपर देखने को मिलती है जगह, और यहाँ पर भी आपको विंडोज़ वगैरह देखने को मिलती है। तो साथ में ही हमारा यहाँ पर बेडरूम भी रहने वाला है। बेडरूम आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस ये भी बेडरूम आपको देखने को मिलता है, और काफ़ी बढ़िया एरिया में ये भी जो आपका बेडरूम है वो देखने को मिलने वाला है। साथ में वेट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग आपको प्रॉपर तरीके से जो आपका बेडरूम है उसमें देखने को मिलती है। साथ में जो हमारी फोर सीलिंग है एकदम डिफरेंट डिज़ाइन में आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, और काफ़ी बढ़िया आपको फोर सीलिंग देखने को मिलती है। साथ में जो लाइट्स का वर्क है वो भी आपको काफ़ी शानदार यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और ये हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है, यहाँ पर भी हम आपको एक वॉल पर जो है वॉलपेपर प्रॉपर तरीके से लगाकर देने वाले हैं। साथ में ये हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है तो यहाँ पर आपको एक अटैच वॉशरूम भी देखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्पेसिस काफ़ी ये वॉशरूम रहने वाला है। साथ में यहाँ पर भी एंड टू एंड तक टाइल्स हमने लगाई है हाईलाइटर के साथ। साथ में जो टैप्स हैं वो हम आपको लगा कर देने वाले हैं, और एक छोटा वॉश बेसिन भी आपको यहाँ पर लगा कर दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर भी वेस्टर्न सीट की आपको फिटिंग देखने को मिलने वाली है। एग्जॉस्ट फैन लगाने की भी आपको प्रॉपर जगह यहाँ पर देखने को मिलती है, और काफ़ी सुंदर ये जो मकान है वो बना हुआ है जैसा कि आपने देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा। और यहाँ पर जो लिविंग एरिया है यहाँ पर भी फोर सीलिंग हो रखी थी, मैंने आपको दिखाई नहीं, आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार यहाँ पर भी फोर सीलिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर भी किचन के यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया फोर सीलिंग देखने को मिलती है। और बात करें हमारे रूफ़ की तो आइए चलते हैं अपनी रूफ़ के ऊपर, और जो स्टेयर्स का काम है वो शुरुआत से एंड तक काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है। और आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था आपको यहाँ पर स्टेयर्स का काफ़ी यहाँ पर आपको रोशनी वगैरह प्रॉपर तरीके से मिलेगी, प्रॉपर रोशनदान आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो आ चुके हैं हम अपनी रूफ पर, आइए आपको रूफ भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार आपको यहाँ पर आयरन का डोर देखने को मिलने वाला है, और हमारी रूफ आप देख सकते हैं 15 के फ्रंट के साथ 18 की गहराई का जो रूफ निकल के आई है काफ़ी शानदार आपको रूफ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। साथ में 1000 लीटर की टैंक, जी हाँ 1000 लीटर की टैंक आपको हमने यहाँ पर लगाकर जो है दी है। और जो हमारा एरिया है आसपास का आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छे अच्छे मकान, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टोर्स आपको यहाँ पर आसपास देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया लोकेशन में काफ़ी अच्छा मकान आपको ये देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग की जैसे मैंने आपको बता ही दिया, एक बार फिर से
बता देता हूँ, प्राइसिंग जो हमारी रहने वाली है, डिमांड 31 लाख रुपए इसकी रहने वाली है। प्राइस लिटल बिट ऑन टेबल यहाँ पर नेगोशिएबल रहने वाला है। 6 पिलरों पर लेंटर वाली साइड ये रहने वाली है। आप इस हाउस को 2 मंजिल तक और बना सकते हैं, प्रॉपर 4 मंजिल ये हाउस आपका बन जाएगा, क्योंकि ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी। तो खुले आसमान को छूइए और निक्की एसोसिएट्स को कॉल करें इस हाउस को विजिट करने के लिए। अगर मेरे से कोई चीज़ यहाँ पर छूट गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके, हमारा व्हाट्सएप का लिंक हमने दे रखा है, डायरेक्ट मैसेज आप वहाँ से हमें कर सकते हैं, और कोई भी सवाल मेरे से रह गया हो उसको पूछ सकते हैं, और इस हाउस को विजिट करने के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर मिलता हूँ ऐसे किसी हाउस के साथ, तब तक के लिए आगे लेता हूँ आप सभी से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।